अपनी विभिन्न मांगों को लेकर विद्युत मजदूर पंचायत उत्तर प्रदेश के बैनर तले नगर क्षेत्र के मीटर रीडरों ने प्रदर्शन किया। मीटर रीडर करुणेश दुबे के नेतृत्व में मंगलवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में नगर क्षेत्र के लगभग 70 मीटर रीडरों ने BCITS कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे करुणेश दुबे ने कहा कि हम सभी BCITS कंपनी के अंतर्गत महानगर में मीटर रीडिंग का कार्य करते हैं। हमारी सैलरी कमीशन बेस पर आती है, इसे फिक्स किया जाए, टारगेट को भी फिक्स किया जाए, ऑफर लेटर नहीं है, ज्वाइनिंग लेटर दिया जाए, इसलिए आज हमने कार्य बहिष्कार किया है। उच्च अधिकारियों को ज्ञापन के माध्यम से अपनी समस्याओं को अवगत करेंगे। अगर हमारी समस्याओं का निदान नहीं होता है तो नगर की बिलिंग व्यवस्था ठप किया जाएगा। इस दौरान विनोद कुमार, विजय, सूरज, तबरेज, महफूज अली, संतोष सिंह, मोहम्मद मुस्तकीम, मनोज कुमार श्रीवास्तव, अभिषेक सिंह सहित चारों डिवीजन के मीटर रीडर उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए मीटर रीडर करुणेश दुबे ने कहा, मीटर यूनियन जिंदाबाद, मीटर यूनियन जिंदाबाद, मीटर रीडर यूनियन जिंदाबाद, मीटर रीडर यूनियन जिंदाबाद, मीटर रीडर यूनियन संघ जिंदाबाद, मजदूर पंचायत संघ जिंदाबाद, मजदूर पंचायत संघ जिंदाबाद। करुणेश दुबे, क्या मांगे जिसको लेके आप लोग यहाँ पे है? हमारी मांगे मीटर रीडर यूनियन संघ से है। हम लोग हैं विद्युत नगरी वितरण में, हम लोग मीटर रीडर हैं शहर के, और हमारी BCITS कंपनी से मांगे हैं जो हम लोगों का शोषण कर रही है। कंपनी को आए हुए 8 महीने हो गए, 8 से 9 महीने हो गए, अभी तक ले उन्होंने PFSI का कोई नहीं मिला किसी लड़कों को। शायद जो किसी एक दो लड़कों का आया है वह मार्च या अप्रैल से कट के आ रहा है, उसके पहले का वो लोग कोई जवाबदेही तय नहीं कर रहे हैं, और पेमेंट का है, और ज्वाइनिंग लेटर हम लोगों को आज तक नहीं मिला। ज्वाइनिंग लेटर के नाम पे हम लोगों को यह ऑफर लेटर दे रहे हैं जिसमें कुछ बिंदुएं ऐसे हैं जो हम लोगों के मान्य नहीं है वो चीज़ें। तो क्या किए आप लोग? तो हम लोग आज चीफ साहब को और AC साहब को एक ज्ञापन दिया जाएगा कि यह चीज़ हम लोगों का है, इस पर विचार किए हैं, अगर नहीं विचार करते हैं तो कल से हम लोग बाध्य हो जाएंगे हड़ताल करने के लिए। अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा, जो महानगर का बिलिंग व्यवस्था बंद हो जाएगी।